अच्छा, ठीक है जी। तो ये 7 पत्तों वाले ये हैं। 7 पत्ते वाला कल्पवृक्ष आपको कहीं नहीं मिलेगा, इंडिया में तो नहीं मिलेगा एटलीस्ट। ये देखो जी ग्रोथ, 17 महीने की ग्रोथ जी, मेरी 5 फुट 6 इंच हाइट है। वो देखो जी कहाँ से कहाँ है, अब हाथ खड़ा कर दूँ तो भी नहीं। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइज आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही खास प्लांट लेके आया हूँ कल्पवृक्ष का, जो कि आपने थंबनेल पर देख लिया, समझ में आ गया होगा। जनरली जो कल्पवृक्ष के पत्ते अगर आपके पास भी होंगे तो 3 पत्ते या 5 पत्ते यही होते हैं। 7 पत्तों वाले वेराइटी बहुत ही रेयर है और कहीं कहीं पर दिखता है। आज मैं आया हुआ हूँ डॉक्टर SS वटोडिया जी के पास, जो कि तरुवर नर्सरी है फरीदाबाद में, और इनके पास मुझे देखने के लिए मिला 7 पत्तों वाला कल्पवृक्ष। तो आज इनसे जानने वाले हैं क्या राज है, 3 पत्तों वाला असली है, 5 पत्तों वाला असली है या 7 पत्तों वाला असली है। तो डिटेल में होने वाला है वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ रेयर प्लांट्स हैं जो कि शेयर करने वाला हूँ अपने इस वीडियो में, तो जो आपको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सर से और जानते हैं कल्पवृक्ष के राज। तो सर आज हम क्या बताने वाले हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर SS बटोटिया तरवर नर्सरी फरीदाबाद से। देखो जी मैं कल्पवृक्ष के पेड़ ना बहुत सालों से ग्रो कर रहा हूँ, बेच भी रहा हूँ। तो लास्ट ईयर मेरे को ना स्नेगल वेस्ट अफ्रीका से मैंने सीड मंगाया था ये। ओके। तो उस सीड में मिक्स स्पीसीज के सीड्स थे, ठीक है, मतलब कई वैरायटी के, इसमें 9 स्पीसीज हैं डनसोनिया की। तो हम डनसोनिया डीजी टाटा ही बोल रहे थे, ठीक है। तो उनमें 3 और 5 पत्ते ही आते थे, पहले 1 पत्ता आता फिर 3 आता फिर 5 आता। तो लास्ट ईयर जब हमने सीड डाला तो हमारे कुछ सीड्स ना 40 दिन में ही, सीड सोइंग से लेकर 40 दिन में वो 3-3, 4-4 फीट तक, 3.5 फीट तक के हो गए थे। अच्छा। तो हमने देखा ये तो बहुत फास्ट ग्रोथ है, तो हम उनको अलग कर दिया था, वो देखते कुछ नई स्पीसीज है। तो हमको जब बाद में पता लगा कि इसमें तो 7 पत्ते तक भी आते हैं, देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैंने गूगल पे पढ़ा इसके बारे में, हाँ। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स यही है, ऐसे अडनसोनिया, हाँ। मेडागास्कारियंसिस है। अच्छा। और ये बहुत रेयर स्पीसीज में आता है। अच्छा, ठीक है जी। तो ये 7 पत्तों वाला, ये 7 पत्ते वाला कल्पवृक्ष आपको कहीं नहीं मिलेगा, इंडिया में तो नहीं मिलेगा एटलीस्ट। अच्छा। ज्यादातर लोगों के पास अडनसोनिया डीजी टाटा है, ये 7 पत्ती वाला है। तो खाली एक ही प्लांट ऐसे 7 पत्ती वाला है? ये सारे 7 पत्ती वाले हैं जी। आइए देखते हैं और कौन से 7 पत्ती वाले प्लांट हैं। ये देखो जी ये 7 रहा, ये 7 रहे जी, और ये पूरा लॉट 7 वाला है जी। और इसकी खासियत ये जी देखो, ये 1 साल से ये ना जून जुलाई अगस्त, ये 17 महीने की ग्रोथ है जी। ये पूरा जो लॉट देख रहे हो ना जी, ये कुछ चलेंगे 7-7, 8-8 फीट के। तो स्टेम साइज भी अच्छा खासा है, इसका नीचे से, हाँ नीचे से मोटा है देखो ये वाला। तो इधर लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ना हमें इस जैसे ये पूरे लॉट में उसकी और भी कई स्पीसीज के थे, देखो इसके पत्तियाँ बारीक है, हाँ। अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है ग्रैंडी डेरी है ग्रे क्या है। अच्छा, मतलब अलग अलग निकले हैं उसमें से, तो अलग अलग ग्रोथ है, अलग अलग प्लांट है। तो कई लोग ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे पास है वो 3 पत्तों वाला है, नहीं वो सारे देखो जितने 9 स्पीसीज है ना उनमें सब में 3-5 आते हैं, हाँ। ये मेडागास्कारियंसिस एक स्पीसीज, इसमें 7 आते हैं। अच्छा, 1, 3, 5, 7, 6, 7 ये चलता रहता है, हाँ। बाकी में 3-5, 3-5 आते हैं, 1, 3, 5, 1, 3, 5। तो लेकिन बहुत कम है 7 पत्तों वाला मिलेगा। 7 पत्ते वाला मेडागास्कारियंसिस है जी, हाँ, जो मैंने गूगल पे पढ़ा है, और इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट है। ये देखो जी, ये तो इनकी प्राइसिंग में भी फर्क हो जाती होगी फिर। अब ये तो प्राइसिंग तो जी है। अब देखो एक पत्ता वो दूर दिख रहा है जी, वो देखो कितना हाइट वाला पेड़ है जी वो। अच्छा, वो देखो वो अलग वैरायटी है ये। तो इसको बॉन्साई वगैरह भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं? बॉन्साई बन सकती है, पहले अगर जैसे जिन्होंने लगाना हो ना जमीन में जैसे मंदिर वंदिरों में, तो ये तो बहुत बढ़िया आइटम है जी। ये देखो मेरे पास ये पुराने पेड़ है जी, ये 8-9 साल पुराने पेड़ है, ये डनसोनिया डीजी टाटा है। अच्छा, और ये मेरे इसी के साथ देखो जी, ये 17 महीने पुराना है, ये 7-8 साल पुराने हैं। 17 और 7-8 साल की ग्रोथ कंपेयर करो आप, तो ये मेडागास्कारियंसिस की बहुत फास्ट ग्रोथ है। स्टेम साइज अच्छा खासा है। ये तो बोनसाई के लिए है जी, ये बोनसाई के लिए तैयार। तो स्टार्टिंग जो होते हैं वो 5 पत्तों से स्टार्ट होते हैं और फिर धीरे स्टार्टिंग 1 से 1, 3, 5। अच्छा, ऐसा आता है, 1, 3, 5 से स्टार्ट होगा, उसके बाद लक पर है अगर वो 7 हो गया या नहीं। 7 वाला तो नहीं मिलेगा किसी के पास, मेडागास्कारियंसिस है। कोई यहाँ पर ये कोई अफ्रीक कोई वहाँ से अगर बाहर से आ गया तो ज़्यादातर एडेंटसोनिया डीजी टाटा इंडिया में, हाँ।
ये देखो जी, ये भी रहा। ये पूरा लॉट वही है जी, सात वाला है। तो ये पत्ते इसके गिरने कब से स्टार्ट हो जाएंगे? अब ये दिसंबर फर्स्ट वीक से गिरेंगे ये। अच्छा। और ये फिर अप्रैल में आएंगे जी लीव्स। तो ये पॉली बैग्स में लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं होना जी, हार्डी प्लांट्स हैं जी। ये देखो जी, अब पानी देंगे तो पक्का मरेगा। अच्छा। ये देखो जी ग्रोथ, 17 महीने की ग्रोथ जी मेरी, 5'6" हाइट है। वो देखो जी कहाँ से कहाँ है, अब हाथ खड़ा कर दूँ तो भी नहीं। ये देखो जी, आप ये देखो जी क्या, ये देखो जी फीडिंग का कमाल देखो जी, ये देखो जी। क्या बात है, बहुत ही तेज ग्रोथ हो रही है प्लांट। हाँ जी, ये देखो स्टेम देखो नीचे से जी, बल्कि जमीन में भी जड़ लग गई। ये देखो नीचे से कितना सुंदर स्टेम बन गया है, बहुत ही खूबसूरत। और इसकी इसकी खासियत ये, इसका जो है ना ये स्टेम बहुत चिकना मिलेगा जी, ये ब्राउनिश। अच्छा। और ये सात पत्ते, यही पहचान है इसकी जी, सात पत्तों वालों की जो ये है वो ये, बहुत ही। हाँ, वो डीजी टाटा से इसका जो स्टेम है ना जी, हाँ, ये बहुत शाइनी है और बहुत ही वो चिकना है, बहुत ही चिकना है। ये देखो सारे यही वही है मेडागास्करियन चीज है। अगर ये किसी ने लगाने हो ना मंदिर वंदिर में, मंदिर वालों का स्पेशल डिस्काउंट है जी। अच्छा। हाँ जी, मंदिर में लगाना कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये लोगों को कुछ रहे। आप तो ऊपर कमरा करके देखो जी, पर भी थोड़ा सा इतने सारे प्लांट हैं, सारे के सारे कल वृक्ष हैं। हाँ, इतने इधर भी लगा रखे हैं और इधर भी हैं, छोटे वाले हैं जो कि बहुत है जी। पेड़ों की कमी नहीं है, भगवान की कृपा खूब है ऊपर वाले के जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये देखो जी, ये वैरायटी अलग है, ये वाला, ये स्पीसीज अलग है इसका, मेरे को नहीं पता, ये ग्रेगरी है मेरे जहाँ तक ख्याल है। ग्रेगरी ना जी, ग्रेगरी। और ये भी अलग लगती है मेरे को, ये वाली, ये भी अलग है। एक रूबरोस टीपा भी है मेरे पास। चिंता करने की बात नहीं है, जिसके पास अगर 5 पत्ते भी हैं तब भी ठीक है, और 7 पत्ते हैं तब भी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो लोग ना, सात वाला तो किसी के पास नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन लोग आ जाएंगे टेंशन में ना फिर उसके। नहीं नहीं नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब है। हाँ, कि 7 पत्ते हमारे पास हो, 3 पत्ते फिर कमेंट में लोग लिखेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, 7 पत्ता केवल एक स्पीसीज है, ये मेडागास्करियन चीज, ये मिलेगी नहीं आपको कहीं पे भी। हाँ, ये बस। इसकी एक प्राइसिंग बताना चाहेंगे क्या? जो देगा ले लेंगे, तो कोई नहीं। ठीक, इतना बड़ा पेड़ 1000 का तो होना चाहिए। 1000 का तो होना चाहिए। हाँ, बहुत ही बड़ा है और नई स्पीसीज है। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा है। छोटे साइज भी अवेलेबल है? छोटे एक्चुअली शुरू में ये पहचान में नहीं आता जी। अच्छा। ये जब इस पे 5 और 7 पत्ते पता लगेंगे तभी पहचान में आएगा। है तो सर ही छोटे पेड़। हाँ, तो देखिए आप इसमें जो स्टार्टिंग है, इसमें इसके 5 पत्ते हैं, किसी में आपको 3 भी दिख जाएंगे, तो 5 से 6, 6 से 7 इस तरह से प्रोसेस चलता है। इसलिए इसकी जो प्राइसिंग रखा हुआ इन्होंने लगभग 1000 रुपये के आसपास है, और भी साइजेस पर डिपेंड करता है। अगर और पुराने पेड़ होंगे तो प्राइसिंग और थोड़ी सी ऊपर भी जा सकती है, तो वो डिपेंड करता है। ये छोटे भी सस्ते भी दे देंगे इसमें मिल गए तो, लेकिन फिर पता नहीं चलेगा। पर ये कि हाँ, उसमें तुक्का मारना पड़ेगा, तुक्का मारना पड़ने वाली बात है। बाकी ठीक है, चलिए धन्यवाद सर शेयर करने के लिए। ओके। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कल्पिश का पूरा गोदाम है यहाँ पे, तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आ गया तो लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।